हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने फिल्मों में विलन बनकर अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है। सिर्फ तगड़ी फैन फॉलोइंग ही नहीं बल्कि सितारों ने दुनिया भर में शोहरत भी कमाई है। आज हम ऐसे ही सितारों की नेटवर्थ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो सिनेमा जगत में खलनायक के रूप में मशहूर हुए हैं। इस पूरे लिस्ट में सबसे पहला नाम सामने आता है आशीष विद्यार्थी का। आशीष विद्यार्थी ने 10-15 नहीं बल्कि 300 फिल्मों में काम किया है। अलग अलग भाषाओं में इन्होंने खलनायक का रोल किया है और रिपोर्ट्स की माने तो इनकी कुल संपत्ति 82 करोड़ रुपए की है। तो वहीं एक्टर आशुतोष राणा जो कि कई फिल्मों में विलन बने हुए नजर आ चुके हैं, इनकी दमदार एक्टिंग के लाखों लोग दीवाने हैं और रिपोर्ट्स की माने तो इनकी भी नेटवर्थ 55 करोड़ रुपए की है। वहीं अगर प्रकाश नाम ना लिया जाए तो फिर ये बड़ी नाइंसाफी होगी। विलन्स के रोल में प्रकाश राज का दबदबा चलता है। कई खलनायक बनकर इन्होंने फिल्में दी और अपना हुनर दिखाया और रिपोर्ट्स की माने तो 36 करोड़ रुपए के प्रकाश मालिक है। तो वहीं सूर्यवंशम के विलन को याद रखते हुए अमिताभ बच्चन की खीर भी याद आ जाती है। अमिताभ बच्चन की खीर में जहर डालने वाले वो मुकेश ऋषि जो अक्सर विलन के किरदार में नजर आए हैं, इन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं जिसमें विलन बनकर इन्होंने शोहरत कमाई है। रिपोर्ट्स की माने तो इनकी भी नेटवर्थ तकरीबन 41 करोड़ रुपए की है। तो वहीं राणा दुग्दुबाती का नाम भी सामने आता है। बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव का किरदार निभाने वाले राणा ने भी कई फिल्मों में विलन बन करके रोल किया है और रिपोर्ट्स की माने तो इनकी नेटवर्थ 45 करोड़ रुपए की है।